नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं रजनीकांत और कमल हासन को आमंत्रित किया गया है। अभिनेताओं से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी। हासन की मक्कल निधि मलयालम पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था और रजनीकांत ने दिसंबर 2017 में राजनीति में आने के बारे में की गई घोषणा को अभी तक औपचारिक रूप नहीं दिया है। दोनों ही अभिनेताओं से जुड़े करीबी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रण मिलने की जानकारी दी, लेकिन अभिनेताओं के हिस्सा लेने के बारे में जानकारी नहीं दी। हासन ने भाजपा का विरोध करते हुए इस बात पर खुशी जताई थी कि भले ही भाजपा का प्रदर्शन देश भर में काफी बेहतरीन रहा हो, लेकिन वे तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा कि राज्य देश भर में चली लहर से प्रभावित नहीं हुआ। वहीं रजनीकांत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान अतीत में मुलाकात कर चुके हैं। रजनीकांत ने दिसंबर 2017 में राजनीति में आने की घोषणा की थी और कहा था कि वे अपनी पार्टी बनाएंगे और 2021 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मोदी 30 मई को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।